Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today current electricity. This is the lecture number 2. I hope you have already watched part 1 before watching part 2. And this lecture we are going to discuss today about the drift velocity, types of current and all. So first let us discuss about the types of currents. So what are the types of currents? Types of current. So types of current. पिछली क्लास में हमने बता दिया था करंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, और आज हम बात करने वाले हैं कि करंट कितने तरह के होते हैं। तो करंट एक होता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, स्टेडी करंट यानी डायरेक्ट करंट, इसको डायरेक्ट करंट का ही पार्ट है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, और एक होता है वैरिंग करंट, वैरिंग करंट, ठीक है। तो हम स्टेडी करंट के बारे में पहले बात करते हैं। स्टेडी करंट क्या होता है? ये डीसी करंट है जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसमें क्या है कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। सो व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट constant, then that current is called direct current, right? ये होता है। तो जब magnitude और direction दोनों ही same हो तो उसको हम कहते हैं direct current। यानी अगर हम ये इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड होता है। ये अगर हम ग्राफ बनाए तो ये जो है करंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ कोई मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए आई है, तो टाइम के साथ वो बदलता नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है चाहे टाइम कोई भी हो। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा कि ये टाइम चाहे एक सेकेंड हो जाए, चाहे दो सेकेंड हो जाए, चाहे तीन सेकेंड हो जाए, या पांच सेकेंड हो जाए, या व्हाटएवर, ये मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसमें डायरेक्शन करंट की बदलती नहीं है, एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमने लिखा है कि डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर फिक्स्ड। डायरेक्शन भी फिक्स्ड होती है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड होती है। दूसरा जो वेरिएबल करंट होगा, वेरिंग करंट, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं, कहेंगे वेरिंग करंट। तो जो दूसरा वेरिंग करंट होगा वो कैसा होगा? वेरिंग करंट वो क्या होगा, जल्दी देखिए। वेरिंग करंट, वेरिंग करंट जो होगा इसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे करंट मान लीजिए यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, या करंट ऐसे हो रहा है, ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, या करंट कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा? या करंट ऐसा है कि लगातार डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है। सो वी कैन हैव करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इधर करंट है, और ये करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ लगातार बदल रहा है, तो ऐसे को हम कहेंगे क्या कि डायरेक्ट करंट। ये करंट जब हमने देखा तो शुरुआत में कुछ और था, लगातार उसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लाइक दिस, इस तरह का भी हो सकता है करंट। सो करंट का मैग्नीट्यूड अगर लगातार बदल रहा है तो हम कहेंगे उसको वेरिंग करंट। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेज विद टाइम, चेंजेज विद टाइम, विथ टाइम, तो उसको हम कहेंगे वेरिंग करंट। तीसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट।
अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेट जैसे नाम ही है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है ये हमें सीखना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। इसमें नाम है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेट का मतलब हुआ कि एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है। सो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हेन मैग्नीट्यूड ट्यूड ऑफ करंट चेंजेज सक्सेसिवली, चेंजेज कंटिन्यूअसली, विथ टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज पीरियोडिकली पीरियोडिकली देन दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज होता रहता है और वो पीरियोडिकली चेंज होता है, मैग्नीट्यूड लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली। इस तरह के करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, दूसरे हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है। एक कंप्लीट साइकिल में जैसे यहाँ पे ये जीरो है, ये करंट का मैग्नीट्यूड, ये पीक वैल्यू कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ, टाइम इधर है, तो टाइम को यहां से जीरो टाइम है, यहां तक आते आते अगर टी वन साइकिल का टी टाइम है तो ये हो गया टी बाई टू, ये हो गया टी बाई फोर क्वार्टर ऑफ टाइम, ये हो गया थ्री टी बाई फोर। इसका मतलब है कि पहले हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, दूसरे हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन निगेटिव है। इसका मतलब है कि करंट पहले हाफ साइकिल के बाद दूसरे हाफ साइकिल में रिवर्स प्रोसेस में चला जाता है। डायरेक्शन पहले हाफ साइकिल में जो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अगले हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आता है, उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से एक साइकिल में, प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है, जबकि मैग्नीट्यूड टाइम के साथ लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी ये होगा पीक वैल्यू, तो ये पीक वैल्यू होगा, दो बार पीक वैल्यू को अटेंड करेगा एक साइकिल में, अगला फिर साइकिल में दो बार पीक वैल्यू को अटेंड करेगा, तो यहां से ये 2t दूसरा साइकिल हो गया। इस तरह से एक साइकिल में करंट का मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहेगा और डायरेक्शन पीरियोडिकली, यानी हाँ प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन बदलता रहेगा, तो ऐसे करंट को हम कहेंगे क्या, तो ऐसे करंट को हम कहेंगे ये 3t/2 है, ये 2t है, ठीक है ना। इस तरीके से इनके बीच में भी, इनके बीच में भी ग्राफ बदलता रहेगा, ऐसे करंट का फ्लो होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब करंट फ्लो होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो हम अब आगे सीखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये सीखना है हमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के किसी भी कंडक्टर में, जैसे एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। करंट किस लिए फ्लो होता है और कैसे फ्लो होता है, करंट का इसमें जो हर एक सब्सटेंस का, मतलब हर एक एटम का, जैसे मान लीजिए कॉपर वायर है, एग्जांपल के लिए मान लें कि कॉपर वायर है, और कॉपर वायर में हर एक, बहुत सारे एटम से बने होंगे, हर एक एटम का अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए किसी का, जैसे कॉपर में तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तब भी
पर क्यूबिक में 10^29 एटम्स जो हैं वो फ्री होते हैं। सोचिए कितने एटम्स फ्री होते हैं पर क्यूबिक मीटर में, यानी किसी भी कंडक्टर के पर क्यूबिक मीटर में अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इतने एटम्स फ्री होते हैं। अगर दो एटम फ्री है तो ट्वाइस हो जाएगा, कॉपर में दुगना हो जाएगा, इतने एटम्स जो होंगे वो फ्री, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्री होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे एक एटम में। अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कॉपर में। अब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल आप बहुत रैंडम मोशन में होते हैं, वैसे ही ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग रैंडम मोशन में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, ठीक है। और पूरे का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो क्या होता कि ये कंडक्टर रात में आप कहीं यहां रखते तो सुबह दूसरे कमरे में मिलता, या यहाँ ते कहीं और चला जाता वायर, क्योंकि इसकी अपनी मोशन हो जाती। लेकिन ये चूंकि कहीं जाता नहीं है, इसका मतलब है कि एवरेज जो वेलोसिटी है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या है, जीरो। क्लियर है? तो जितने ये एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया जाए तो जितने भी एक क्यूबिक मीटर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने क्यूबिक मीटर वायर हो सकता है, ये लंबी वायर होगी तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इतने अमाउंट में बहुत ज्यादा ये मात्रा हो गई, बहुत बड़े लार्ज नंबर हो गया। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में बड़ी तेजी से जिगजैग मोशन में होते हैं। अगर थर्मल टेम्परेचर पर बात कहें, यानी रूम टेम्परेचर पर बात करें, तो इनकी मोशन जो होती है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के 10^5 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर इसमें हम कोई और हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो इसकी मोशन बढ़ सकती है, ठीक है। बट अगर ये जो रूम टेम्परेचर की बात करें, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के इनकी मोशन होती है 10^5 मीटर पर सेकेंड। अब जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो है जीरो। तो मान लेते हैं कि इफ U1, U2, U3 लाइक दिस UN बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर देन at room temperature, इस velocity को thermal velocity कहते हैं, ठीक है। Then average thermal velocity is zero. That is what, if you can say U1 plus U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN, ये क्या होगा, ये अप डिवाइडेड बाय n, एवरेज निकालेंगे तो इनसे डिवाइड करना होगा, ये होगा जीरो। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। जब अब इस वायर को एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन। अगर इसको हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किसी बैटरी से सोर्स से जोड़ दे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल किसी सोर्स से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब के सब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तेजी से भागने लग जाएंगे, तो सबकी एक डायरेक्शन हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन इस भाग दौड़ में चूंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये कॉपर के अगर वायर है तो कॉपर के आयंस के साथ इनकी कोलिजन होती है, और कोलिजन होने के बाद चूंकि आप एक्सटर्नल सोर्स मिला तो ये सब एक ही डायरेक्शन में भागने लग गए, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग गए, तो ये जो है कुछ वेलोसिटी गेन करते हैं, और वेलोसिटी गेन करते हैं विद टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलरेट करते हैं,
है ना, तो ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेट करने के चक्कर में जब इनकी वेलोसिटी बढ़ती है तो ये कॉपर के जो आयन्स हैं उनसे इनकी कोलिजन होती है, और कोलिजन होती है तो इनकी स्पीड क्या होगी कोलिजन से, ये कुछ स्पीड को वेलोसिटी को लूज कर देते हैं, और लूज कर देते हैं और फिर चल पड़ते हैं, और फिर जाकर के किसी दूसरे आयन से टकराते हैं, फिर कोलिजन करते हैं। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है उस टाइम में ये कुछ वेलोसिटी गेन जरूर करते हैं, ऑल्दो ये वेलोसिटी लूज भी करते हैं, बट फाइनली थोड़ा सा वेलोसिटी लूज करते गेन करते हैं, जिस वेलोसिटी को वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रिफ्ट होकर के यहाँ, यहां से ड्रिफ्ट होकर के यहाँ, यहां से ड्रिफ्ट होकर के यहाँ, और धीरे धीरे कंडक्टर के एक जरिए से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, जो गेन करेंगे, उनका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज गेन्ड ड्यूरिंग ड्रिफ्टिंग ऑफ इन इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। तो ये जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ कि जब ये रूम टेम्परेचर पे हर एक इलेक्ट्रॉन्स का, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी और उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, जीरो। लेकिन जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मूवमेंट मोशन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और मूव करने लगते हैं जब, तो उनकी टाइम के साथ थोड़ी वेलोसिटी को गेन करते हैं, उस गेन वेलोसिटी की वजह से वो एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करते हैं तो उनका जो कॉपर का आयन्स है उसकी वजह से कोलिजन होगा, कोलिजन में वो थोड़ी देर उसकी वेलोसिटी लूज करते हैं और फिर चल पड़ते हैं, फिर गेन करते हैं। इस टाइम को, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम निकाल सकते हैं कि कितना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, और ये जो वेलोसिटी फाइनली गेन करते हैं उसको हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी की वजह से ये स्लाइटली ड्रिफ्ट होता है, और ड्रिफ्ट होता है किधर की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होता है, और ड्रिफ्ट जो एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी व्हिच इज गेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू विच इट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सप्लाई होगा तो ये ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। ऐसे तो जिगजैग मोशन होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तब ये वन डायरेक्शनल हो जाते हैं और ये सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। तो मान लेते हैं अब एक्सेलरेशन इसकी होगी, तो एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगी, है ना एक्सेलरेशन। तो क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, एल है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है एल। अब इलेक्ट्रॉन में यहां चूंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो वी बाई एल हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता ही है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर की ओर मूव करना चाहता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स की वजह से फोर्स कितना होगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इट एक्सपीरियंस्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज गिवेन एज व्हाट, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई होता है, यहां क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है तो ई हो गया। अब ये हो गया फोर्स, फोर्स हो गया इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और फोर्स इतना एक्सपीरियंस किया। और अब एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ए इज इक्वल टू एफ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है, ई अपॉन एम ई दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन शॉर्ट में हम ई अपॉन एम लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली, ठीक है। चूंकि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसको माइनस लिख सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरह का होगा कि ई अपॉन एम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मास भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो इतना होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगेगा वो कितना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि लेट रिलैक्सेशन टाइम सबके लिए टाउ है, टाउ रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, सो लेट द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एक्सेलरेशन ए आर what u1 plus a1 a tau1, पहले का रिलैक्सेशन टाइम b इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, दूसरे का हो जाएगा u2 इनिशियल वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन a है और रिलैक्सेशन टाइम tau2 हो गया, तीसरे का u3 था स्पीड और ये एक्सेलरेशन a है और टाइम रिलैक्सेशन टाइम अलग हो सकता है, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम टाउ थ्री हो गया। इस तरह से जो भी होगा यू एन प्लस ए टाउ एन ये सब वेलोसिटी को अटेन करेंगे। नाउ एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ये स्पीड होगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला निकाल दिया। यहाँ टाइम के जगह पे रिलैक्सेशन टाइम है, उसके लिए स्पेसिफिक सिंबल होता है, इसको टाउ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब इनका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो होगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ ऑल दिस वेलोसिटी, सो यू वन प्लस ए टाउ वन प्लस U2 प्लस A tau2 है ना, प्लस इसी तरह से UN प्लस A tau N, ये हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय N, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 इस तरह से टिल यू एन डिवाइडेड बाई एन है ना, प्लस इनको अलग कर देते हैं, ए सब में है और टाउ वन
plus tau 2 plus tau 3 up to tau n and whole divided by n. Okay, अभी हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में सीखा था ये इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जो कि जीरो होता है और ये हो गया a और इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं tau. This is where tau is average relaxation time, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 से लेकर के tau n तक divided by n. That is called average relaxation time. Average relaxation time, ठीक है? तो ये मिल गया आपको a tau. A क्या है? A क्या है? A acceleration है. और acceleration हमने पहले calculate कर लिया है. कितना? Minus ee by m into tau. तो ये हो गया drift velocity का expression. और इसी के साथ ये drift velocity drift करता है और drift करके और कहाँ जाता है? Electric field के against है. तो अगर electric field के against है इसलिए minus है कि electric field की direction इधर है और drift कर रहा है इधर positive terminal की तरफ. इसलिए direction क्या है? Negative. तो I hope you got it. This is the expression of drift velocity. Expression इसको m e भी लिख सकते हो mass of electron. Expression of drift velocity. Velocity. I hope you got it. Okay. Now, अब बात करते हैं कि current और drift velocity में क्या relation? Relation between current and drift velocity. Drift velocity. ये क्या है? इनमें क्या रिलेशन होता है ये हमें सीखने की जरूरत है. नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंडक्टर. ओके, और कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया है ए. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. Area of cross section of conductor of length L. Then volume of conductor is equal to area into L. है ना? अच्छा. Let N be the number of electrons, free electrons per unit volume. ठीक है, n be the number of electrons per unit volume. मतलब unit volume में n electrons है, free electrons. तो इतने volume में कितने होंगे? Therefore, total number of free electrons. In AL is equal to NAL होगा. अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन is E. And therefore total charge on NAL electrons, free electrons, is equal to NALE, है ना? ये मान लेते हैं Q हो गया, total charge हो गया ये Q. अब ये जो conductor है पीछे अभी आपने देखा, यहाँ से यहाँ तक ये electron drift होता है, free electron यहाँ से यहाँ तक drift होता है, ये positive end है, ये negative end है, electric field generate हुई है. अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है वीडी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर के यहां तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं.
लेट टी बी द टाइम विद द टाइम इन विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी velocity vt, then time is equal to what? Distance upon speed. Distance upon speed. It means t is equal to l upon vd. T is equal to l upon vd. Okay. Now, time is l upon vd. इसको हम एक equation मान लेते हैं. Now, electric current is defined as, you know, electric current I is equal to what? Charge upon time. So, charge is Q and time is T. Charge Q के बदले हमने निकाला है N A L E upon time के बदले L by V D, है ना? अभी इसे क्या है? तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा और VD ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा NEA VD और यही होता है करंट का एक्सप्रेशन NEA VD है ना. VD जो है वो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD का सेंस ये है कि ये V है सबस्क्रिप्ट D है VD ऐसे. तो N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. वो किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा. E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो हमेशा फिक्स रहता है कांस्टेंट है. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वही कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा. इसका मतलब ये हुआ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD यानी करंट कितना तेजी से फ्लो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट कैन बी रिटन एज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट. Thus, current is directly proportional to drift velocity in a conductor. ठीक है. ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा. ये स्कूल में आता है यूजुअली प्रूफ करने के लिए. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीबीएसई के लेवल पे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो डेरिवेशन होती है जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए जेई के लिए और आईटी एडवांस के लिए. इसके बाद एक्सटेंशन प्रोग्राम में हम बात करेंगे. अभी हम सिर्फ स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं. जो बच्चे स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है और वो लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं. इसमें हम तमाम चीजें जो बेसिक्स है जिसका डेरिवेशंस है डेफिनेशंस है न्यूमेरिकल्स है जो सीबीएसई के लिए जरूरी है उनको पहले डिस्कस करेंगे और लेवल टू पे हम फिर बात करेंगे जेई मेन के लिए और फिर लेवल थ्री में हम बात करेंगे जेई एडवांस के लिए. तो इस तरह से ये क्लासेस चलेगी. आप उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इस वीडियो में इतना ही. अगली बार फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें. बेल आइकन पे नोटिफिकेशन के लिए आप क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि लोग फ्री में जानकारी ले सके. हमारा पर्पस इस वीडियो के जरिए दूर दराज के इलाकों तक और उन जरूरतमंद लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना है जहां मैं खुद जाकर पढ़ा नहीं सकता. ठीक है. थैंक यू.